राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आप जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण छुप करके राधा को देख रहे होते हैं और राधा तभी खीर बनाकर लाती हैं और कृष्ण को आवाज़ लगाती हैं। राधा को देख करके कृष्ण बाहर आते हैं और उनकी निगाहें खीर पर ही टिकी होती हैं, लेकिन वो राधा से बात नहीं करते और कहते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। राधा यहाँ पर बहुत प्रयास करती हैं उनको खीर खिलाने का, लेकिन कृष्ण खीर खाने से भी मना कर देते हैं और नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में वहाँ सुभद्रा आती हैं और राधा सुभद्रा से कहती हैं कि चाहे जो हो जाए मैं कृष्ण को मना करके रहूँगी, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इधर दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ आते हैं कृष्ण के पास और वो पूछते हैं कि आखिर तुम चिंता में क्यों हो। तभी कृष्ण कहते हैं कि दरअसल जो शुक्राचार्य ने अपस्मार का दोबारा से उसका आह्वान किया है और उसे जागृत किया है, वो समय से पूर्व किया है और उसका धीरे धीरे असर सब पर होगा। मैं चाहता हूँ कि इन दो दिन के अंदर ही अंदर मैं राधा को उस पुनः प्रेम की दोबारा से जो एहसास करवाऊँ, जिससे कि उसको अपस्मार का जो इफ़ेक्ट है वो ना पड़े। इधर बलराम दाऊ कहते हैं तो क्या जिस तरीके से शुक्राचार्य ने अपस्मार को पहले ही जागृत किया है उससे द्वारका के सभी लोगों के साथ साथ राधा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी कृष्ण कहते हैं कि नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उसको समय से पूर्व जागृत किया गया है इसलिए अभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इधर दिखाया जाएगा कि अपस्मार कैलाश आता है और वहाँ पर अपना जादू चलाने का प्रयास करता है और वो दूर से कैलाश को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और यहाँ पर शुक्राचार्य भी उसकी मदद करते हैं और कैलाश में उसे पहुँचाते हैं। इधर श्री कृष्ण अपने मुकुट से एक मोरपंख निकालेंगे और अपस्मार के ऊपर छोड़ेंगे और वो ऐसी माया करेंगे कि जिससे कैलाश जो के पास होता है वो उसे और भी ज़्यादा दूर लगने लगता है। ये सब कुछ देख कर शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो राहु केतु को बिना जागृत करे ही चले जाते हैं और राहु केतु इस बात से और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं। इधर बलराम दाऊ बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कृष्ण के पास आते हैं और तभी यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि माता पार्वती खुश नहीं है, इसलिए आप जाओ और वहाँ पर उनसे भेंट करो और उन्हें कुछ ऐसा कहो जिससे कि वो प्रसन्न हो जाएं। यहाँ पर बलराम दाऊ देवी पार्वती का आह्वान करते हैं और तभी उनके सामने पार्वती प्रकट होती हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ उनके लिए एक विशेष भेंट लाए होते हैं, लेकिन माँ पार्वती उसे स्वीकार करने से मना कर देती हैं, कह कर कि राधा उनकी परम सखी है और वो ही खुश नहीं है तो वो खुश कैसे हो सकती हैं। जब तक राधा खुश नहीं हो जाती वो कुछ भी नहीं कर सकती। इधर सुभद्रा अपने कक्ष में सो रही होती है और कृष्ण वहाँ जाते हैं और चुटकी बजाते हैं और उससे सुभद्रा का मन विचलित हो जाता है और वो कृष्ण के बुलाने पर तट पर पहुंच जाती हैं जहां पर कृष्ण पहले से ही बैठे होते हैं। यहां पर कृष्ण और सुभद्रा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी श्री कृष्ण जाने का कहते हैं और सुभद्रा उठती है तो कृष्ण उनके पैर के नीचे कंकड़ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सुभद्रा का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पानी में कूद जाती हैं। जैसे ही पानी वो कूदती हैं यहाँ पर वो श्री कृष्ण को सहायता के लिए पुकारती हैं, लेकिन तभी वहाँ राधा पहुँचती हैं और वो ये सब देख रही होती हैं और कृष्ण उनकी सहायता करे बिना ही वहाँ से चले जाते हैं और सुभद्रा कृष्ण को सहायता के लिए बुलाती रहती हैं लेकिन वो नहीं आते। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर आप राधा को क्या समझ आता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण का ऐसा करने के पीछे का प्रयोजन क्या है। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।